हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहास किचन। ये देखिए, आज मैं तरबूज लेके आई हूँ। तरबूज के कुछ पीसेस मैंने कट कर लिए हैं और ये मैंने इसके लिए सामान लिया हुआ है। तरबूज का एक बढ़िया सा जूस मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ और ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। गर्मियों के टाइम पे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस लगेगा, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा आप। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। ये सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सारे तरबूज के पीसेस को मैं एक ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसमें मैंने तरबूज डाल दिया, तरबूज के पीसेस। अब इसमें मैं काला नमक डालूंगी। मैंने आधा आधा टेबल स्पून काला नमक ले रखा है, बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ले रखा है और थोड़ा सा चाट मसाला ले रखा है और चीनी ले रखी है 1 टेबल स्पून और एक नींबू ले रखा है। बस अब हम चीनी इसी में डाल देंगे और काला नमक, काली मिर्च और ये सारा कुछ इसमें डाल देंगे, ठीक है, और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक मग ले रखा है और अब इसमें हम ये वाटरमेलन का जो हमने जूस बना के तैयार किया है उसको डाल लेंगे। इसमें आप चाहें तो आइस भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हमारा वाटरमेलन का जूस बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। ये नींबू से मैंने जो चाट मसाला है, नींबू से चाट मसाला मैं लगा रही हूँ ऊपर, इसे ऊपर थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए, हमारा वाटरमेलन का जूस बनके बिल्कुल रेडी है। इसे एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कि मेरी ये वाटरमेलन की रेसिपी आपको कैसी लगी, वाटरमेलन की जूस की। और अच्छी लगी तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।